मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओखला के जाकिर नगर में, और आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाई गई है। ये बैरिकेडिंग इसलिए लगाई गई है क्योंकि दिल्ली में जो 200 से अधिक जो हॉटस्पॉट जगह जो दिल्ली सरकार ने घोषित किया था, उसमें ये जाकिर नगर का 18 से 22 नंबर जो गली है, इसी गली को कनेक्ट करती है, इसीलिए यहाँ पे ये लगाया गया बैरिकेडिंग। और दिल्ली पुलिस के ने इसमें लिखा भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है लोगों को आने जाने से मनाही किया गया है और लगातार लोग इसको मान भी रहे हैं। आपको बता दें कि ये गलियों को सील इसलिए किया जाता है क्योंकि जब पाँच से अधिक कोरोना पॉजिटिव लोग जिस गली में मोहल्ले मिल जाते हैं उसको हॉटस्पॉट करार दिया जाता है और उस गली मोहल्ले को सील भी कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग आ जा रहे हैं भी, इस रूल को भी तोड़ करके कुछ लोग देख सकते हैं लगातार आ जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं यही लोकल, जो उनसे बातचीत करते हैं। ये मतलब कब हुआ है, कब सील किया गया है? ये सील किया गया है रात में जी 12 बजे के टाइम जी। इन्होंने कहा कि रात में जो है 12 बजे के टाइम पे सील हो जाएगा यहाँ पर, तो सील कर दिया गया है रात में ये। ठीक है, तो मतलब कब पता चला कि यहाँ पे कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज हैं? अच्छा, ये पता हमारे को कल लगा है सर, कल लगा था मतलब 4-5 बजे के टाइम पे, उसके बाद में रात में 12 बजे ये लॉकडाउन हुआ है यहाँ पर गली नंबर 18 में। पुलिस कैसे पहरा दे रही है, लगातार पुलिस आ जा रही है? जी, पुलिस तो पहरा बार बार आ रहा है यहाँ पर, वो बार बार आते रहते हैं, चेक करते रहते हैं यहाँ पे पुलिस वाले, यहाँ पर कभी बैठे भी रहते हैं इस तरीके से, मतलब पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ठीक, तो ये थे यहाँ के लोकल जो बता रहे थे कि लगातार जो है पुलिस यहाँ पर पहरा दे रही है और आ जा रही है। हम अब तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा दें कि लोग जो हैं इसका पालन भी कर रहे हैं लॉकडाउन का, और यहाँ जो सील किया गया इसका भी पालन कर रहे हैं लगातार लोग जो हैं, जो उस तरफ के लोग हैं उस तरफ ही हैं, जो इस तरफ के लोग हैं वो इस तरफ के हैं। ऐसा ये ओखला के जाकिर नगर में 18 से जो 22 नंबर गलियां हैं उन सबको सील किया गया है। आपको बता दें ये वही ओखला है जिसके विधायक अमानतुल्ला खान जो है आमानी पार्टी के, उन्हीं का ये क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में भी हॉटस्पॉट करार दिया गया है जो जाकिर नगर का 18 से 22 नंबर गलियां हैं। आगे भी गलियों से जाकर के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ माहौल है अगली गलियों का। ये 18 नंबर गली का एंट्री का गेट है और हम आगे 22 नंबर पर भी जा कर दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ लगातार जो है प्रशासन की मुस्तैदी है और प्रशासन यहाँ पे लगातार काम कर रही है और गलियों को सील किया जा रहा है मजदूरों के द्वारा, आप देख सकते हैं। और उसके साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी हैं जो लगातार इस जाकिर नगर के एरिया में जो गलियाँ हैं जहाँ संदिग्ध पाए गए हैं लोग उसको सील कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस के प्रशासन के लोग यहाँ मुस्तैद है और लगातार जो है गलियाँ जो हैं यहाँ उन सारी गलियों को सील किया जा रहा है जहाँ कोरोना वायरस के संदिग्ध पाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जाकिर नंबर नगर के गली नंबर 22 के तरफ और यहां आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा जो है गलियों को सील किया जा रहा है और लगातार प्रशासन के लोग यहां मुस्तैद है, सैनिटाइज़र हो रहा है, नगर निगम भी इस वक्त एकदम मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। आगे आपको दिखा दें कि आगे भी प्रशासन के लोग हैं जो लगातार जितनी भी गलियां हैं 18 से 22 नंबर के उनमें छोटी बड़ी जितनी भी गलियां हैं सबको सील किया जा रहा है यहां वर्कर्स के द्वारा, और प्रशासन के लोग भी हैं जो लगातार इस काम में लगे हुए हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और लगातार जो है धीरे धीरे ये एरिया जो है सन्नाटा सा छाया जा रहा है, और आपको गलियों के अंदर दिखा दें कि गली के अंदर बिल्कुल ही कोई नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रशासन ने सख्त मनाही की है कि कोई भी गली के अंदर जो गलियां सील की गई हैं उनके अंदर कोई भी आ जाए नहीं, और इसको लोग पालन भी कर रहे हैं। और साथ में दिल्ली पुलिस के लोग भी यहां मुस्तैद हैं, वो भी निगरानी दे रहे हैं कि कोई भी अंदर बाहर ना करे क्योंकि इससे खतरा भी है। आपको बता दें कि अभी दो लोग जो है संदिग्ध यहाँ पाए गए थे जिसे लेकर के अभी हॉस्पिटल ले गया गया है, और बाकी जो ये जाकिर नगर ओखला के जो एरिया है गली नंबर 18 से 22 जो गलियां हैं उन सबको सील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और लगातार प्रशासन के लोग जो हैं इन गलियों को सील कर रहे हैं। तस्वीर में आपको हम दिखा दें कि आगे भी कुछ लोग हैं जो गलियों को सील कर रहे हैं और इसके पीछे भी कुछ लोग जो हैं वो लगातार गलियों को सील कर, आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारी गलियों को प्रशासन ने सील कर दिया है, और अब ये गली भी सील हो रही है, उसके आगे भी जो भी गलियाँ हैं उन सबको सील कर दिया जाएगा। जाकिर नगर से न्यूज मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल। वीडियो में आप देख सकते हैं लगातार जो गलियां हैं गली नंबर 18 से 22 सबको सील कर दिया गया है, और आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ
आगे भी जो गलियां हैं उनको भी सील कर दिया गया है। लगातार लोगों को आने जाने से मना किया जा रहा है। उसे ही देख सकते हैं प्रशासन के लोग भी गश्त कर रहे हैं लगातार, जो है प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है और देख रहा है कि कोई आए जाए नहीं। लगातार जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है, लगातार को मना किया जा रहा है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। आप लोगों को बार बार ये सूचित किया जा रहा है कि लॉकडाउन का आप लोग पालन करें, अपने अपने घरों में रहें, गली मोहल्ले मार्केट में आप ना घूमें। अगर आपको बहुत जरूरी है तो आप अपने घर से किसी एक व्यक्ति को वेस्ट के समय टाइम पर मास्क का इस्तेमाल करते हुए